हेलो फैमिली। तो आज हम देखेंगे अभी सेकंड वीडियो में हमारे बारे में, डिवाइन फेमिनिन के बारे में कि क्या चल रहा है आज। आज बहुत एक वियर्ड सी एनर्जी चल रही थी, इसलिए मैंने तीनों को अलग बनाया है। अगली बार की रीडिंग से मैं तीनों को डीएम, डीएफ और जर्नी तीनों एक ही साथ बनाऊंगी। अगर आपको ये ऐसी रीडिंग पसंद है और आप चाहते हो कि ऐसी रीडिंग्स मैं रोज़ बनाऊँ, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और जर्नी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर हम ये एक सीरीज़ कर सकते हैं और रोज़ जो है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और जर्नी के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे पहले डिवाइन फेमिनिन का क्या चल रहा है। मुझे लगता है ऐसे कि डिवाइन फेमिनिन भी बहुत ज़्यादा फियर में है और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही है सिचुएशन में, एंड करना चाहती है सब कुछ। और ये आपके लाइफ का एक चैप्टर का दी एंड भी है। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत डिटरमाइंड और स्ट्रांग महसूस करी अपने डिसीजन को लेकर के इस सिचुएशन में, और जो है विद इन जा कर के जो है अपनी सिचुएशन को वो करने की कोशिश करी, एनालाइज करने की कोशिश करी। आंसर्स आपको आपके सिचुएशन से अपने अंदर ही मिलेंगे अगर आप ढूंढ रहे हो तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन ज़्यादा आपके आँखों में शाइन कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ आए और आप मे बी आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, कुछ करियर को फॉलो कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके वजह से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो अपने पैशन की तरफ। ऐसा मुझे लग रहा है आप बहुत एक एम्परर बन चुके हो अभी, काफ़ी स्ट्रांग माइंडेड, स्टबन हो रहे हो आप। तो आपको जो है डिवाइन फेमिनिन होके एम्परर हो रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। एकदम स्टबन एनर्जी रख रहे हो आप अपने पास, प्लस आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फील कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके फैमिली को या आपको अटैक कर रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हमारे फैमिली को हार्म कोई कर सकता है, तो आप अटैकिंग एनर्जी में हो आज, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लस आप पेज ऑफ कप्स फील कर रहे हो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ लाइकिंग फील कर रहे हो, बट इट इज़ जस्ट लाइकिंग, क्योंकि आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले। आप आज आप थोड़ा ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिस कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जो है एनर्जी में हो आप, अपने जो आपको पसंद है वो आप ज़्यादा ज़्यादा परस्यू करने के कोशिश में हो, वही आप ज़्यादा ज़्यादा अटेंशन, अपना सारा अटेंशन वही लगा रहे हो। तो यही है दोस्तों आज जो डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रहा है। जो डिवाइन फेमिनिन अपने कार्मिक के साथ है, अगर आप मैरिड हो तो आप डिवोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और ये डेथ है आपका कनेक्शन का आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। बेसिकली आज आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर कर रहे हो और बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग के लिए आर्कएंजल यूरियल का मैसेज है और मैलिंकाइट का मैसेज है क्रिस्टल का। तो मैलिंकाइट क्रिस्टल दोस्तों एक ऐसा क्रिस्टल है जो ग्रीफ में यूज़ किया जाता है, जब आपका हार्ट ब्रेक हो चुका हो और आप रोना चाहते हो उस पर, बहुत आपको बहुत हर्ट फील हो रहा है लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो अपने हार्ट से, उस पेन को, उस डिप्रेशन को, तो वो जो है हार्ट हील करके ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। देखिए ये क्रिस्टल जो है हार्ट ब्रेक के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करने वाले हो या यूज़ करना चाहते हो ये सुनने के बाद, तो भी प्रिपेयर्ड कि आप बहुत रोने वाले हो।
व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने लाइफ में एक सर्टेन पैटर्न की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, और वही जैसे अगर कोई आपको प्यार नहीं करता तो आपकी ज़िंदगी में हर बार कोई आता है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपको फील नहीं कराता कि यू आर इम्पोर्टेंट और ये सब, तो यही सब आपके लाइफ में रिपीट होते जा रहा है, तो आपको उसको फाइंड करना है और उसको कट करना है जो आपको नो लॉन्गर सर्व करता है। आर्कएंजल यूरियल कह रहा है कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई वाइटल लाइफ फोर्स प्रोवाइड मी विद द एनर्जी एंड मोटिवेशन टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, फाइनेंशियल अबंडेंस इज माइन। ठीक है दोस्तों, तो आप मोटे, आपको जो मोटिवेशन चाहिए वो आपके पास है, आपको जो एनर्जी चाहिए आपके पास है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज आप लोग थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करेंगे ये रीडिंग देखने के बाद, मैं ऐसा कह सकती हूँ। मैं भी काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ आज, आज की एनर्जी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक फीलिंग और वो डर कि क्या आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप जानना चाहते हो और उसकी वजह से आप टैरो के तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो ज़्यादा, आज आप वीडियोस देखने वाले हो पिक पाइल के या ऐसे वैसे वाले रीडिंग्स जैसे मैंने बनाए हैं वैसे रीडिंग्स, तो ये आज आपके साथ होने वाला है। डिवाइन फेमिनेंस पूरा दिन यही एनर्जी रहने वाली है, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए तो, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी बना रहे हैं और ट्विन फ्लेम कम्युनिटी और फैमिली बना रहे हैं एक, जहाँ पे हम अपना नॉलेज शेयर कर सके और एक दूसरे की हेल्प कर सके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।